हेलो फ्रेंड्स दिस इज विनोद बादल योर ऑनलाइन ट्यूटर और आज मैं लेकर आ गया हूं आपके राइटिंग सेक्शन का सबसे आसान बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ टू राइट अ मैसेज इन इंग्लिश इन दिस वीडियो वी विल लर्न ऑल अबाउट मैसेज राइटिंग फर्स्ट वी विल लर्न व्हाट इज अ मैसेज देन वी विल लुक इन द फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ मैसेज After that, we दैट वी विल नो अबाउट मार्किंग स्कीम देन वी विल अंडरस्टैंड मैसेज an एन And एंड फाइनली आई विल गिव यू tips एंड ट्रिक्स टू राइट अ गुड मैसेज तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको मैसेज राइटिंग में मिलेंगे फुल मार्क्स सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड What is a message? A message is a short piece of information that is written for someone to whom you are unable to speak for some reason. Sometimes a message is passed on through a telephone. However, if the person for whom the message is meant is not available, then someone else receives the message and conveys it to the concerned person by writing it. जब हम किसी कारणवश किसी इंफॉर्मेशन को किसी से डायरेक्टली बोलने में असमर्थ होते हैं तो मैसेज लिखकर हम छोड़ देते हैं ताकि वह मैसेज उस व्यक्ति को मिल जाए कभी कभी मैसेज टेलीफोन के माध्यम से पास किया जाता है पर अगर वह व्यक्ति जिसके लिए मैसेज है वह मौजूद न हो तो कोई तीसरा व्यक्ति उस मैसेज को प्राप्त करता है और फिर अगर उसे भी कहीं और जाना होता है तब वह मैसेज लिखकर उस व्यक्ति को बताता है सपोज आपके पापा के ऑफिस से कोई कॉल आता है पर आपके पापा घर पर अवेलेबल नहीं है वैसे केस में आप फोन को रिसीव करते हैं पर आपको ट्यूशन के लिए जाना है तो आप अपने पापा के लिए मैसेज लिखते हैं और उसे उस स्थान पर छोड़ देते हैं जहां से आपके पापा उस मैसेज तक आसानी से पहुंच सके आई होप अब आपका मैसेज राइटिंग का फंडा क्लियर हो गया होगा लेट्स हैव अ लुक द फॉर्मेट मैसेज राइटिंग बिगेन्स विथ राइटिंग द वर्ड मैसेज इन बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स इट इज रिटेन इन द मिडिल ऑफ द लाइन इट इज रिटेन इन ऑर्डर टू कैच द अटेंशन ऑफ द पर्सन

तो वैसे केस में हमें सल्यूटेशन की जरूरत पड़ती है देन वी राइट बॉडी इट इज द मेन पार्ट ऑफ द मैसेज वे वी प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन डेट नीड्स टू बी कन्वेड जस्ट बिलो द बॉडी इन लेफ्ट हैंड साइड वी राइट द सेंडर्स नेम एंड एट लास्ट वी इंक्लूज द मैसेज विद इन अ बॉक्स नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन मार्किंग स्कीम करेक्ट फॉर्मेट के लिए मिल जाता है आपको वन मार्क जिसमें आपका मैसेज वर्ड डेट एंड टाइम रिसीवर्स नेम सेंडर्स नेम और बॉक्स सारा कुछ चेक कर लिया जाता है उसके बाद फिर कंटेंट के लिए मिल जाएगा आपको टू मार्क्स अब आप सोचोगे कि टू प्लस वन थ्री हुए बाकी के टू मार्क्स कहां गए तो टू मार्क्स आपका डिपेंड करता है आपके फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी पर इसमें आपके स्पेलिंग्स को चेक किया जाता है ग्रामर को चेक किया जाता है, है ना तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है तो इस प्रकार से आपके हो गए फाइव मार्क्स

ismita oh sure in fact i wanted to convey her that today's music classes shall be suspended because the teacher is not well instead it will be held on sunday so she should remember it could you please pass this message to her shalini oh sure thank you ismita thank you too as shalini is going to her dance classes She needs to reproduce the message for Saloni, write the message on her behalf with every detail. तो अभी हमने देखा कि इस्मिता का कॉल आता है सलोनी के लिए लेकिन सलोनी वहाँ पे मौजूद नहीं है तो सालनी ने फोन को रिसीव किया इस्मिता ने सलोनी के लिए कुछ मैसेज छोड़ा और अब वह मैसेज सालनी को सलोनी तक पहुँचाना है लेकिन सालनी को डांस क्लासेस के लिए जाना है तो अब वह मैसेज लिख कर सलोनी को छोड़ेगी तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से मैसेज को लिखा जाता है तो सबसे पहले हम टॉप में लिख देंगे मैसेज बोल्ड लेटर से फिर लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे डेट चलिए हम आज का डेट लिख देते हैं 18 फरवरी 2021 फिर हम टाइम लिखेंगे राइट साइड में चलिए हम अभी का टाइम लिख देते हैं अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ एट वन पी एम फिर हम सल्यूटेशन लिखेंगे चलिए हम लिखते हैं डियर सलोनी फिर हमारा बॉडी स्टार्ट हो जाता है योर फ्रेंड स्मिता फ्रॉम म्यूजिक क्लासेस कॉल्ड इन योर अब्सेंस शी कॉल टू इन्फॉर्म डेट टूडेज म्यूजिक क्लास हैज़ बीन सस्पेंडेड बिकॉज द टीचर इज नॉट वेल इन स्टीड इट विल बी हेल्ड ऑन संडे सो शी वांट्स यू टू रिमेम्बर इट और फिर लास्ट में हम सेंटर का नेम लिख देते हैं तो यहाँ पर आ गया शालिनी तो आपने देखा कितने आसान तरीके से हम मैसेज को लिखते हैं सारा कुछ फॉर्मेट का खेल है इसमें बस हमें कुछ बॉडी जो है वो क्वेश्चन में से निकालना होता है और सारा कुछ क्वेश्चन में ही दिया होता है बस हमें पहचानना होता है तो बहुत आसान होता है मैसेज नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मैसेज राइटिंग फर्स्ट मेक श्योर टू यूज़ द लैंग्वेज डेट इज़ सीटेबल फॉर द रीडर तो हमें ऐसा लैंग्वेज लिखना होता है जो कि रीडर अच्छे से पढ़कर समझ जाए सेकेंड स्टिक टू द वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स तो हमें बॉडी को 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखना होता है अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे थोड़ा बहुत कम चल सकता है थर्ड डू नॉट एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ भी हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसमें एड नहीं करना होता है द मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट जो मैसेज होता है वो शॉर्ट होता है और बिल्कुल टू द पॉइंट होता है फोर्थ प्लान बिफोर यू पेन लिखने से पहले एक रफ़ स्केच अपने माइंड में अवश्य बना लें फिफ्थ मेक श्योर यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स दे कैरी मार्क्स तो हमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और स्पेलिंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है सिक्स्थ इंक्लोज द मैसेज विद इन अ बॉक्स यूजिंग अ शार्पेंट पेंसिल तो पेंसिल से आपको एक बॉक्स बना लेना है मैसेज लिखने के लिए या तो आप शुरू में बना लीजिए नीचे से आप खाली छोड़ दीजिएगा फिर जितना लंबा जाएगा तो फिर आप नीचे से कर दीजिएगा या फिर बिल्कुल लास्ट में बॉक्स बनाइए सेवेंथ डू नॉट यूज लॉन्ग सेंटेंसेस इन द बॉडी फॉर द मैसेज लंबे लंबे सेंटेंसेस आपको नहीं लिखने हैं बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस आपको लिखने हैं इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी यूज तो हमें मैसेज लिखते वक्त जब बॉडी लिखते हैं हम तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करना है